बेलगहना चौकी क्षेत्र के बरभाटा रोड सागौन प्लांट में सड़क किनारे किसी व्यक्ति के कमर से पैर तक का कटा हुआ हिस्सा बोरे के अंदर मिला था, जिसमें से तेज बदबू आ रही थी। सूचना पाकर मौके पर बेलगहना पुलिस पहुंची तो देखा किसी ने धारदार हथियार से हत्या के बाद शव को छिपाने की नीयत से कमर के नीचे से दो अलग भाग में काटकर बोरी में भरकर फेंक दिया। शव की तलाशी लेने पर उसके पहने हुए धोती से मृतक की पहचान हुई और पता चला कि मृतक सन्मान सिंह अगरिया का पिता पंडरा पथरा चौकी बेलगहना बरभाटा निवासी कुंवर सिंह था। कुंवर सिंह 2 अगस्त से लापता था और बेलगहना चौकी में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज थी। पुलिस जांच के दौरान संदेह की सुई धुर सिंह पटेल पर जाकर अटकी। पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे थाना ले आई। पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। पता चला कि जमीन विवाद को लेकर दोनों के बीच पुरानी रंजिश थी। अकेले पाकर धुर सिंह ने कुंवर सिंह को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद साक्ष्य छुपाने के लिए उसने हंसी की मदद से शव के दो टुकड़े कर दिए। शव के सर वाले हिस्से को उसने जंगल में छुपा दिया, जिसे उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने भरभाटा चौकी बेलगहना निवासी धुर सिंह पटेल को गिरफ्तार कर लिया, जिसने बड़े ही शातिर और जालिम तरीके से हत्या की घटना को अंजाम दिया है। शव मिलने के कुछ घंटे बाद ही वो गिरफ्तार भी हो गया। जमीन विवाद में हत्या जैसे संगीन जुर्म को अंजाम देने वाले धुर सिंह पटेल को ये तो मालूम रहा होगा कि हत्या जैसे संगीन जुर्म को अंजाम देने के बाद वो बच नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी निर्दयता से हत्या कर जुर्म छिपाने का उसने प्रयास किया, लेकिन पुलिस की तेज निगाहों से वो बच न सका। आखिर क्या मिला उस सनसनीखेज हत्या को अंजाम देकर? उसे अब किए जुर्म की सजा जेल की चार दीवारी के पीछे अपनी उम्र बितानी पड़ेगी। 4 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई की कुंसरा रोड सागौन प्लांट में एक बोरी में जिस लाश पड़े जिसे पैर वाला हिस्सा दिख रहा है। रिपोर्ट पर प्राथमिक रिपोर्ट पर घटने से जाके बोरी खुलवा कर देखा गया, जिसमें अटपटी लाश मिली, जिसकी पहचान कुंवर सिंह अघरिया के रूप में मृतक के पुत्र ने किया, जिस पर मर्ग कायम कर अपराध पर निर्भर कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के पता चला कि कुंवर सिंह और धूर सिंह अघरिया के बीच में पूर्व से जमीन विवाद चल रहा है। संदेह के आधार पर धूर सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान धूर सिंह पटेल ने अपराध स्वीकार किया और पूर्व में जमीन विवाद को लेकर अकेले पाकर हत्या करना स्वीकार किया, जिससे एक हसिया धारदार हथियार हसिया बरामद किया गया है। आरोपी की निशानदेही पर धारा 302 201 तहत कार्रवाई की जा रही है। ताहिर अली, रतनपुर, छत्तीसगढ़।